हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बजे हैं और आज तो दिवाली, आप सबको पता ही होगा, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बार की दिवाली। आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी धूमधाम से दिवाली मना रहे होंगे। तो आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं, जो कि ऐसा है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आ रही होंगी, जो आपने देखा होगा कि वीडियो में ये आ रही होंगी कि आज दिवाली की रात ये कर लेने से आप लोगों के घर धन की वर्षा होने वाली है पूरे साल। तो इन वीडियो पर ध्यान ना दें, इन बातों पर ध्यान ना दें, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दें। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा ही वक्त है, मुझे भी अभी थोड़ा बहुत काम है। तो मैं कुछ बातें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताना चाहता हूँ, खासकर महिलाओं के लिए, जो शाम को लक्ष्मी पूजा करते वक्त जो हम दिए वगैरह जलाते हैं, तो उनमें कृपया करके स्पेस रखें, क्योंकि हमारी महिलाएँ और जो बहनें हैं तो क्या है कि दीवे जलाते वक्त क्या करते हैं कि उन वो सिल्की कपड़े डालती हैं, ड्रेसेस जो हैं डालती हैं, तो वो थोड़ा उनको स्पेस करके दीवों को जलाएं ताकि कहीं उनमें आग वगैरह ना लग जाए। और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को कृपया करके बाहर लेके ना जाएं और बम पटाखों से दूर रखें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आप उन्हें बाहर लेकर जाते हैं तो कृपया करके उनके कानों में रुई वगैरह डाल दें ताकि तेज धमाके से वो डरे नहीं और उन पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको दिल की बीमारी है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो कृपया करके वो भी बाहर ना जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे बम पटाखे आए हुए हैं जिनसे कि एकदम से बजते हैं, धमाके होते हैं, तो कई बार होता है कि इंसान डर जाता है, तो उनसे दिल का दौरा ही पड़ सकता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाहर ना जाएं, घरों में रहें, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। अपने हिंदू परंपरा के अनुसार आप पूजा कीजिए, जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म के अनुसार, जैसे भी हम पूजा करते हैं, हर घर में सबका अलग अलग है, या जैसे भी हम करते हैं सबकी अलग अलग श्रद्धाएँ होती हैं, उसके हिसाब से सब अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे आप कीजिए। और रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ उन पर कृपया करके गौर कीजिए, और ख़ासकर बच्चों का आप ध्यान रखिए। और एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आजकल के जो बच्चे हैं, ये जो आजकल पटाख चली हुई हैं, तो मैं यही कहूँगा कि पटाख आप ठीक है चलाइए बजाइए, लेकिन उनमें कम से कम बारूद का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखिए जितना भी हम ज़्यादा बारूद डालेंगे वो ज़्यादा धमाका करेगा, तो उससे हमें चोट भी लग सकती है, कुछ और भी खतरा हो सकता है। तो इन खतरों से बचिए, ऐसा ना हो कि ये दिवाली हमारी बुरी दिवाली कहलाए। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था, मैं हाथ में ही बम था मेरे, और मैंने क्या करा, दीवा लगा रखा था, और उसके अंदर जैसे ही मैंने उसको लगाया, वो ऑटोमेटिक ही नहीं, उसने मेरे को मौका ही नहीं दिया, और वो जो बम था मेरे हाथ में फट चुका था। एक मिनट के लिए तो मुझे कुछ यानी कि महसूस ही नहीं हुआ कि ये, यानी पता ही नहीं लगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। एकदम आंखों के आगे अंधेरा, हाथ में इतना दर्द, यानी कि दिवाली वाले दिन मैं इतना खुश था, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं 2-3 दिनों तक बिल्कुल उदास था। मैंने कहा यार ऐसी कैसी दिवाली हो गई मेरी जो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ भी, तो रिक्वेस्ट है आप सब भी अच्छे से दिवाली मनाएं, ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी फैमिली को, आपको कोई तकलीफ हो, आपके छोटे भाई बहनों का आप ख्याल रखें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे भी थोड़ा मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह मुझे भी ख़रीदना है। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप देखिए बातों को सुनिए, गौर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और मैं कल विश्वकर्मा डे है, तो मैं आप लोगों को कल बताऊँगा कि घर में धन की वर्षा कैसे होती है, या हम कैसे 2 पैसे जोड़ सकते हैं। अगर कोई काम धंधा अगर आप लोग कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि हमें कैसे क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारे को नुकसान ना लगे, चाहे कोई वो सब्जी वाला है, रेडी वाला है, या फिर कोई छोटा मोटा दुकानदार है, या फिर कोई ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा उन्हें क्या करना चाहिए कि 2 पैसे की आमदनी हो, बच्चों को तकलीफ ना हो। दूसरी बात, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के 3-4 महीने के बाद में, तो उसके बारे में बताऊंगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है तो उसके बारे में बताऊंगा कि हमें कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे बताना है, कैसे आइडियाज़ देने हैं कि वो उन्हें आसानी से कर सकें, याद कर सके। और अब 3-4 महीने के बाद फेब में मेरे ख्याल से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, फेब या मार्च में, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, त्यौहार का टाइम है, अच्छे से धूमधाम से मनाइए, और शाम तक हो सका तो मैं आप लोगों को एक वीडियो और डालूँगा। तो
हैप्पी दिवाली। ओके दोस्तों, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए, बच्चों के साथ और अपने दोस्तों से और जो भी हैं जो आजकल के यंग युवा पीढ़ी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के दिन ड्रिंकिंग वगैरह ना करें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने परिवार को टाइम दें, अच्छे से दिवाली मनाएं, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, अच्छी बातें नहीं हैं, घर में इससे क्लेश होता है और त्यौहार के टाइम पर क्लेश अच्छा नहीं होता है, पूरा साल ख़राब होएगा हमारा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों का सेवन ना करें और जितना हो सके अपने परिवार को टाइम दें आज के दिन। और आगे छठ पूजा भी आ रही है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि हमें किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, कैसे क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सारी बातें तो शायद आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, सी यू।